আসসালাম আলাইকুম এই আসাদুদ্দিন ওয়াইসি মুসলিমদের লিডার দলিতদের লিডার ইনসাফের তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কোরআন আগে ইসলাম আগে নাকি ভারতীয় সংবিধান আগে আপনার কাছে আগে ভারতের সংবিধান আগে নাকি কোরআন আগে ইসলাম আগে এই প্রশ্নের যে দাঁত ভাঙা উত্তর তিনি দিয়েছিলেন এটা আমাদের সকলের জেনে রাখা উচিত কারণ মুসলমানদেরকে যে মুসলমানরা ভারত স্বাধীনতার জন্য জিহাদের ফতুয়া দিয়েছিলেন যে মুসলমানরা ভারত স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ওলামা ইকরাম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই মুসলমানদেরকে দেশ দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট তাদের কাছ থেকে চাওয়া হয় তো মাঝে মাঝে দর্শক মুসলমান লিডারদের কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন করা হয় যে আপনার কাছে ইসলাম আগে কোরআন আগে নাকি ভারতের সংবিধান আগে এবং এই প্রশ্ন আপনাকেও করা হতে পারে তার জন্য আসাদুদ্দিন ওয়াইসি যে দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন দিয়েছেন সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত যাতে করে ট্রেনে বাসে কেউ যদি আপনাকে এ ধরনের প্রশ্ন করে তাহলে তার যেন দাঁত ভাঙা জবাব আপনি দিতে পারেন তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে তার সেই ভিডিওটি দেখে নেব আপনাদের কাছে অনুরোধ করব এই ধরনের ভিডিওকে বেশি বেশি লাইক এবং শেয়ার করা আমাদের প্রত্যেকের মুসলিমি দায়িত্ব ইমানি দায়িত্ব বলে আমি মনে করছি কারণ আমাদের অস্তিত্বকে টিকে রাখা আমাদের নিজেদেরই কিন্তু দায়িত্ব তো চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখি নি এবং শিখি নি কিভাবে তাদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় আসাদউদ্দিন ওয়েসি जिनको हम जानते हैं और जो अक्सर संविधान की बात करते हैं वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं नहीं ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता आपको मुसलमान दिख गया बोलो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जो से आते हैं आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो क्या आप यह सवाल करेंगे महाराणा अबुल कलाम आजाद से क्या आप सवाल करेंगे खैराबादी से क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से क्या उन उनमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था यह क्या बात है बोलिए पचहत्तर साल की आजादी मना रहे हैं मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओत लिया है अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आप क्या सोचते हैं मुझे उसकी फिक्र नहीं है मैं यह कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस सरजमीन पर रहूंगा जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इस इसी जमीन में चला जाऊंगा अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझ मुझसे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है क्या सवाल है ये तो गलत सवाल है आपका ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए गलत है इसका संविधान पर आपका अकीदा है संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं बिल्कुल संविधान से देश चलेगा ना संविधान से देश चलेगा तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजिशन है आप लोग साढ़े बजे के बाद पीते हैं टून हो जाते हैं इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते बताइए क्यों नहीं करते आप संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आज देश की पचपन फीसद वेल्थ पांच फीसद लोगों के पास है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल भूल गए आप अनुप्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों अब इक्कीस तेवीस से इक्कीस साल कर दिए खुश हो जाओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं आप 44 की बात करते हैं तो बताइए 44 में में आप क्या करना चाहेंगे गोवा अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं क्या क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम नागालैंड को उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में अख्तियार दिया चलिए करके देखिए देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की की जरूरत नहीं है है मेरा मानना है। इस देश खूबसूरती उसकी है और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बैसे मुसलमान आर्टिकल ट्वेंटी का जो फंडामेंटल राइट right है मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है मुझे उस पर आप कैसा छीन सकते मुझसे आप आर्टिकल ट्वेंटी मुझसे आप